गाजियाबाद की 55 वर्षीय महिला को ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस नाक में मिले हैं। महिला डायबिटीज है और बुखार आने पर बाद उसने डॉक्टर को दिखाया था। इसी दौरान महिला को यहां साइनस बीमारी और साइनस के इलाज के दौरान डॉक्टर ने साइनस का सैंपल निकालते गौतम बुद्ध नगर की एक प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में भेजा था, तो वहां पर इनको दोनों फंगस की पुष्टि हुई है। इस बारे में डॉक्टर का कहना है कि इसका इलाज बेहद महंगा है और इन दोनों बीमारी में 60,000 रुपये के तो एक दिन में इंजेक्शन लगते हैं, जो कि 21 दिन तक लगते हैं। इसके अलावा अस्पताल का खर्चा अलग होता है। और उनको फीवर की हिस्ट्री थी, फीवर शायद उन्होंने वो कोविड होगा, टेस्ट नहीं कराया होगा, लेकिन जब उनको उल्टी नाक को हमने दूरबीन से देखा तो उसमें हमें काला फंगस नज़र आया और वाइट फंगस नज़र आया। उसका हमने टेस्ट किया तो टेस्ट में जो हमने रिपोर्ट अभी निकलवाई आज, वो पॉजिटिव मिला है एस्परजिलोसिस के लिए और म्यूकर माइकोसिस के लिए। एस्परजिलोसिस को हम वाइट फंगस बोलते हैं और म्यूकर माइकोसिस को हम ब्लैक फंगस बोलते हैं।